और मेरे भाई साहब, क्या हाल चाल है यार। इस वीडियो में मैं आपसे मेरी कैरेक्टर ग्लिच में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसमें उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपके लिए टॉप 5 ब्रांड न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गया हूँ, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अब जो पहली ट्रिक है वो हमारी काम कर रही है यहाँ पर, आप तो जानते ही हैं ये जो नोवो वाली साइड में ब्रिज है यहाँ पर कई बंदे कैंप करते हैं। अब इसके अगर आप ऊपर आ जाते हो तो यार बड़े ही आराम से आप यहाँ से किल निकाल सकते हो। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ से आपको बस एक बाइक लानी है और बाइक को बस आपको यहाँ से जंप करवाना है, फिर आपको यहाँ पे आके एग्जिट कर देना है। और वाओ गाइस, आप यहाँ पर आने के बाद ना भाई कोई भी बंदा एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इसके ऊपर भी कोई बंदा हो सकता है। और यहाँ से अगर कोई भी गाड़ी आती है तो आप आराम से वहाँ से भी किल निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बंदे कैंप करके बैठे होते हैं, तो आप भी अगर यहाँ पे कैंपर्स को बड़ी ही आराम से अगर मारोगे तो यार किल आराम से भी आप बहुत निकाल सकते हो। और अगर आप चाहो यहाँ से भी जंप करके यहाँ से इसकी ये जो पेट्रोल पंप की छत है इसके ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जा सका। यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो, अगर एनिमी आए तो आप आराम से अपने एनिमी को आराम से आप किल वगैरह भी निकाल सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। नेक्स्ट ट्रिक है ना, ये भी यार काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। अब कई बार क्या होता है, बंदे पीछे वाली साइड पे ब्रिज पर कैंप करके बैठे होते हैं, तो अब उन कैंपर्स को मारने के लिए आपको भाई ट्रिक लेकर आ गया है। आपको बस करना क्या है, ये आपको इस ट्रिक को करने के लिए एक बाइक चाहिए और आपको बाइक को लेकर आना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो आपको ठीक है यहाँ पे एक पहाड़ जो दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको अंदर भगानी है। तो हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ग्लिच हो जाए, लेकिन आपको बस धीरे धीरे अंदर लानी है। और अंदर लाने के बाद आप देख सकते हो कि कितने आराम से आप यहाँ का एंगल, ऊपर का कितना आराम से एंगल देख सकते हो, ठीक है। और मेरा जो एनिमी है उसका भी भाई चेहरा दिख रहा है। और यहाँ पर आके ना बस आपको यहाँ पर आपको एग्जिट करना है, और एग्जिट करके और वाओ गाइस देखिए कितने आराम से आप ऊपर का व्यू आराम से ले सकते हो। और अगर आपके पास कोई थ्रोएबल है तो आप वो भी फेंक सकते हो। और अगर अब कई बार क्या होता है कि बंदे जो होते हैं कैंप करके बैठे होते हैं, तो इस ट्रिक की मदद से आप उन्हें आराम से मार सकते हो भाई साहब। बस आपको इस ट्रिक में एक ध्यान रखना है, जैसे आप देख सकते हो कि मेरी जो गर्दन है वो इस वक्त ऊपर निकली हुई है, तो अगर कोई एनिमी अगर गाड़ी लेके आता है तो गलती से भी अगर उसकी गाड़ी का टायर अगर आपके ऊपर से निकल जाता है तो भाई आप किल हो सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी इस ट्रिक को बाइक करने में तो आपको बोरा ही मजा। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की। अब नेक्स्ट ट्रिक हमारी यहाँ पे भी वर्क कर रही है। आप तो जानते ही हो कि गटका में ये जो पहाड़ी के ऊपर आपको ये जो हाउस मिलता है इसके सबसे आप टॉप पर कैसे जा सकते हो। अब इसके ऊपर जाने के लिए भी बस आपको बाइक चाहिए। आगे क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको सबसे पहले बाइक को यहाँ से भाई तेज़ी से भगा के ले आना है, और बाइक ले आने के बाद आपको यहाँ से इसको जंप करवाना है। जैसे ही आप यहाँ से बाइक जंप करवाओगे तो वाओ गाइस, आप सीधा इसके ऊपर यहाँ पर एंट्री मार लोगे। यहाँ पर भाई यहाँ पर कई बार तो लास्ट का सर्कल भी बनता है, तो यहाँ से भी लास्ट का सर्कल बहुत कम बनता है, लेकिन आप यहाँ से इजी चिकन डिनर भी निकाल सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको लूट भी मिलती है। आप जैसे कि जानते हो कि यार अपार्टमेंट में कौन नहीं उतरता, तो अपार्टमेंट में जब बंदे कैंप करके बैठे होते हैं तो इस वाले घर में सबसे ज़्यादा भाई बंदे जो होते हैं वो कैंपिंग करके बैठे होते हैं। तो जब आप पर बंदे कैंपिंग करके अगर आप फिर गोलियाँ बरसाएं, करना क्या है, बगी लेनी है, उसको कुछ इस तरीके से लगा देनी है। लगाने के बाद आपको बस सीट चेंज करनी है। सीट चेंज करने के बाद अगर आपका एनिमी यहाँ से पीक ले तो बड़े ही आराम से आप उसको यहाँ से भाई किल कर सकते हैं, और आपका एनिमी हक्का पक्का रह जाएगा कि यार इसने मारा। दोस्तों अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इस ट्रिक के लिए एक लाइक ज़रूर करना। और अब बात करते हैं मिनी कैरेक्टर ग्लिच की। अब कई बंदे यार बोल रहे हैं कि ये जो ग्लिच है ये ग्लोबल में वर्क करता है या नहीं, और कई बंदे भाई ये भी बोल रहे हैं कि ये सोलो वर्सेस स्क्वाड में वर्क नहीं कर रहा। तो भाई साहब आप एक काम करिए, आप नीचे आपको जो भी ग्लिच चाहिए आप नीचे कमेंट कर दीजिए, जिस कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो भाई साहब मैं वो ग्लिच फाइंड करने की पूरी ट्राई करूँगा। तो जल्दी से जल्दी कीजिए, वरना आप जानते हो कि 8 तारीख से पहले इसका अपडेट भी आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हमारी आखिरी ट्रिक की। भाई साहब हमारी जो आखिरी ट्रिक है ना,
ये प्रिजन की इस छत पे। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ से जब बंदे आपको दिखते हैं ऊपर बैठे हुए होते हैं, तो आप उनको जब नॉक कर देते हो, नॉक करने के बाद आप उन्हें फिनिश नहीं कर पाते। तो भाई साहब वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मारने के लिए बस आपको बाइक लेनी है और बाइक को तेज़ी से थोड़ा सा भगाना है। जिम करवाने के बाद आप सीधा यहाँ से डायरेक्टली एंटर हो जाओगे और किल भी आराम से निकाल पाओगे। दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट करना मत भूलना आपको कौन सा ग्लिच चाहिए, और लाइक भी भाई सब सभी बंदे करना, ठीक है। और अगर ऐसी वीडियोस आप इंटरेस्टेड हो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। और ये भी वीडियोज़ को ज़रूर देखना, काफ़ी ऑसम ग्लिच एंड ट्रिक्स इनमें बताई है मैंने। थैंक